हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा ब्लॉग। में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा, जिससे पता चले मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज मैं नाश्ता, ये अभी शाम का टाइम हो रहा है तो मैं नाश्ते में, मेरे बेटा को भूख लग गया था तो बोला सैंडविच बनाने के लिए। मैं बेसन वाला सैंडविच नहीं, बस टोस्ट करके उसे मैं बनाऊँगी। तो ये देखिए, मैंने आलू को दो पीसेस में कट करके बॉईल कर लिया, उसके संग वो छेमी मटर होता है ना, वो बॉईल कर दिया है, नमक डाल के बॉईल किया। 3 सीटी लगाई थी मैंने, तो सीटी वाला वीडियो नहीं हो पाया, सॉरी। तो उसे मैं अब मैश कर ले रही हूँ, देखिए। और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया और उसमें तेल डाल दिया, तब तक मैं उधर मैश कर रही हूँ आलू को। बस मैश करने के बाद इसमें अच्छे से मैश करना है कि कहीं भी ये क्या बोलते हैं, ढीला ढीला ना रहे, जिससे टोस्ट में, ब्रेड में लगाने में ये अच्छा ना लगे, इसीलिए अच्छे से मैश करना है। तो ये देखिए, मैं अच्छे से मैश कर ले रही हूँ, ये देखिए आप लोग देख ही सकते हैं। मैश करने के बाद इसमें मैं हरा मिर्च डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं, बच्चा खाएगा इसीलिए कम ही डालूँगी, क्योंकि प्याज लहसुन तो मैं डाल नहीं सकती, शनिवार का दिन था। तो ये मैं ऐसे ही कट करके डाल दे रही हूँ। अब इसमें जब मिर्चा जब भुना जाएगा तो उसमें मैं आलू को डाल दूँगी। ये देखिए, 4-5 ही मिर्चें डाली हूँ। अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए पूरा लाल हो चुका है। अब मैं उसमें ये आलू डाल दूँगी और उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी आलू में। फिर अपने स्वाद अनुसार मैं सॉल्ट ऐड कर लूँगी और उसको मैं अच्छे से, ये देखिए मैं जो मेरे पास मैश करने वाला वो नहीं है तो मैं ग्लास से स्मैश कर ली। और ये देखिए, नमक अपने अनुसार मैं ऐड कर ले रही हूँ और उसे मैं अच्छे से चला लूँगी और आलू को अच्छे से भून दूँगी। और एक टमाटर सॉस भी उसमें ऐड कर दूँगी, जिससे खट्टा मीठा का टेस्ट आ जाए। टमाटर सॉस डालने से क्या होता है, एक तो अलग टेस्ट ही आ जाता है, तो बच्चों को तो ऐसे ही टमाटर सॉस बहुत ही पसंद होते हैं। तो मैं उसे अच्छे से देखिए मैं मिला लूँगी। ये देखिए मैं फेंट ली, अब ये एकदम अच्छा से हो चुका है। इसे मैं 2-3 बार और थोड़ा सा क्रिस्पी टाइप हो जाएगा ना, तो मैं इसे बंद कर दूँगी। ये देखिए हो चुका है आलू, अब मैं इसे बंद कर दूँगी। और मैं अब इधर तवा बैठाऊँगी, तवे पे मेरे पास टोस्टर है, करंट वाला है, तो वो बहुत दिन पुराना है तो मैं यूज़ नहीं की, तो अभी फ़िलहाल टेम्प जल्दी जल्दी बनाना है तो मैं तवे पे ही बना ले रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे अमूल का बटर यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए बटर तवे पे पूरे अच्छे से मिला लूँगी, जिससे कहीं भी ब्रेड चिपके ना। ऑयल से ग्रीस कर लेने से क्या होता है, ब्रेड कहीं चिपकता नहीं है, इसीलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप हमेशा ग्रीसिंग करके ही ब्रेड सेके, तो चिपकेगा नहीं, नहीं तो देखिएगा चिपक जाता है। अब मैं 4 ब्रेड वहाँ लगा दूँगी और सेक लूँगी। ये देखिए एक एक करके मैं सारे, फिर 2-3 बार मैं पलट पलट कर देखूँगी, जब तक रेड ब्राउन ना हो जाए तब तक उसे मैं टोस्ट कर दूँगी। ये देखिए अभी क्या हुआ ना, मेरा तवा अभी गर्म नहीं था तो जल्दी हो नहीं रहा था, तो थोड़ा टाइम लगता है तवा गर्म होने में। ये देखिए अब मैं बटर चारों साइड से ऐड कर दे रही हूँ, जिससे वो अच्छा क्रिस्पी क्रिस्पी हो। ये देखिए, तो अब मैं फिर इसे मैं बार बार चेक करती हूँ, मेरा गैस बंद तो नहीं हो गया, देखिए एकदम ही रेड नहीं हुआ है, इसलिए मैं बार बार चेक कर रही थी। बस थोड़ा टाइम लगता है, जब गर्म हो जाएगा फिर जल्दी झटपट हो जाता है। तो ये देखिए मैं इधर भी ब्रेड में मक्खन लगा ले रही हूँ और ये अच्छे से टोस्ट कर दूँगी। बस अब तवा गर्म ही हो चुका है, मैं पलट दूँगी। ये देखिए थोड़े थोड़े ब्राउन हो रहे हैं, ये थोड़े थोड़े ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं जो और थोड़ा सा सेक लूँगी, उसके बाद मैं इसमें आलू लगा दूँगी। आलू लगाने के बाद एक के ऊपर एक ब्रेड रख के मैं उसे ट्रायंगल शेप में काट लूँगी। ये देखिए हो चुका है, अब उस तरफ भी मैं सेक लूँगी अच्छे से। और यहाँ पे देखिए मैं चेक कर ले रही हूँ, और यहाँ पे मैं अब आलू लगा दूँगी। ये देखिए लगाने के बाद वो जो दूसरा वाला, उसको ऊपर रख कर मैं उसे ट्रायंगल शेप में कट लगा दूँगी, स्पैचुला से ही लगाऊँगी। अच्छा, तो क्या होगा, ट्रायंगल शेप में खाने से लगता है कि ये खा रहे सैंडविच खा रहे अच्छा लगता है, ऐसे चोको चोको देने से
बेटा मेरा नहीं खाता, वो सैंडविच मांगता है तो उसे ट्रायंगल शेप में ही देना पड़ता है। देखिए अब मैं दूसरे में भी लगा लूँगी। वो देखिए इंतज़ार कर रहा है कब नाश्ता बनेगा, नाश्ता खाने के लिए बेचैन है। तो मैं जल्दी जल्दी उसे बनाकर पहले दे दूँगी, फिर बाकी के ब्रेड मैं फिर रेडी करूँगी। ये देखिए पूरा तवा गर्म हो चुका है, देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी क्रिस्पी बना है। अब मैं बीच से कट लगा दूँगी। ठंड के दिन में क्या होता है, आप ऐसे भी कोई चीज़ छूइएगा तो गर्म नहीं लगता है, इसीलिए मैं देखिए गरम गरम ही छू ले रही हूँ तो मुझे उतना गर्म नहीं लग रहा है। और यही गर्मी के दिन में अगर छूइएगा तो हाथ जल जाता है। मैं उसे प्लेट में निकाल कर उसे सर्व कर दूँगी। ये देखिए बस ट्रायंगल शेप में कट हो गया। अब मैं उसे अच्छे से डेकोरेट करके मैं उसे सॉस दे दूँगी। ये देखिए चारों साइड में मैं ब्रेड लगाकर उसे बीच में सॉस दे दूँगी। बिना सॉस का तो वो खाएगा नहीं, उसे सॉस बहुत ही पसंद है। अब मैं सॉस खोज रही हूँ कहाँ रख दी हूँ, तो ये देखिए मेरा सॉस मिल गया। ये कट लगा दी मैं, अब इसे दे दी। अब मैं दूसरे जो बचे हुए ब्रेड है उसको भी वैसे ही सेक लूँगी, क्योंकि अब हम लोग खाएँगे। मेरे फादर इन लॉ है, मेरा हस्बैंड है और मैं हूँ। वैसे ही सेक कर मैं इसमें भी ये लगाकर आलू लगाकर कट कर लूँगी। और सबको अब नाश्ता का टाइम में देना ही पड़ता है, और चाय पानी का टाइम भी हो चुका था, तो मैं सोची चलो अच्छा कुछ बना लूँ। ऐसे मेरा बेटा को भी बहुत पसंद है। मैं डेली डेली नहीं बनाती, फिर भी जब मन करता है तो बना ही लेती हूँ खाने के लिए। इससे क्या होता है, अच्छा भी लगता है, एक अलग तरीके का आइटम भी बन जाता है अपने घर में, और खाने में भी अच्छा लगता है। अगर रोज़ रोज़ बनाने से एक ही चीज़ अच्छा नहीं लगता। और इसको आप बेसन का बैटर घोल तैयार करके उसमें डिप करके तल कर भी खा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ऑयल हो जाता है, इसलिए मैं वो जल्दी नहीं बनाती हूँ। उसमें देखिएगा ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो ऑयल तो ऐसे ही ख़राब करता है। लेकिन कभी कदार मन किया तो वो भी बना ही लेती हूँ। ये देखिए अब मैं उसे भी कट लगा दूंगी। देखिए बस, तो अब ऐसे करके मैं सारे बना लूंगी। अगर आज का वीडियो मेरा यहीं तक का था, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल, और मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। और मेरे चैनल को ढेर सारा आप लोग प्यार दीजिए कि मैं ताकि आपको आपके लिए नए नए वीडियो बना कर ले आऊँ। थैंक यू।